नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे आज के इस नए वीडियो में चैनल देव दुर्गा राठौड़ पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए और अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उससे क्या होगा कि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप जो है मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो आई है। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हॉपफुली लगता है, तो वीडियो को भी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप राजपूती जो चूड़ा होता है व्हाइट कलर वाला, उसको कैसे अलग अलग तरीके से जो है स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल मतलब उसमें अलग अलग तरीके की चूड़ियां लगा के बीच में आगे पीछे कैसे आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो राजपूती चूड़ों के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने जो है राजपूती चूड़ों के बारे में बताया है कि जो राजपूती वेडिंग चूड़ा होता है वो कितने तरीके के होते हैं और किस साइड से होते हैं और उनकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। तो उन्हीं में से एक जो चूड़ा मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर का, जो शायद दूर का भी हो सकता है और हाथी के दांत का भी हो सकता है, तो इन दोनों ही चूड़ों को आप जो है स्टाइल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी स्टाइल के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो मैं ना आपको मेरा जो चूड़ा है ना व्हाइट कलर वाला उसी के साथ में स्टाइल करके बताऊंगी। तो ये मेरा व्हाइट कलर वाला चूड़ा है, ये आपके पास भी आसानी से मिल जाएगा और अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर का चूड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो घर पे अगर आप डेली यूज में ये व्हाइट कलर वाला चूड़ा पहन रहे हैं तो आप इसको कैसे स्टाइल करके पहन सकते हैं, इजीली हो जाएगा काफी और सिंपल सा। मुझे घर पे इतना मतलब एकदम सिंपल वाला ही पसंद है, तो मैं आपको जो सिंपल मुझे पसंद है मैं आपको वही बताने वाली हूँ। घर पे भी ये कर रहे हैं डेली यूज में तो आपके पास नॉर्मली कुछ कड़े मिल जाएंगे जो बहुत ही सिंपल सा लुक देते हो और जो डेली यूज में खराब भी नहीं होते हो, पानी लगने से, साबुन लगने से, और जो जिनमें जड़ाव नहीं है, क्योंकि जड़ाव जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं। अगर आप डेली यूज में जड़ाव वाले कड़े पहनोगे ना तो वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो बिना जड़ाव के कड़े मेरे पास अभी ये कड़े हैं तो मैं ये वाले लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी आपके पास भी कोई कड़ा हो जिसमें जो सिंपल हो आप वो वाला लगा सकते हैं। तो ये पूरा जो व्हाइट कलर का चूड़ा है मैंने यहाँ लिया है और इसके सबसे आगे आपको सबसे आगे ये वाला कड़ा जो आपने लिया है बिल्कुल सिंपल वाला ये लगाना है और उसके बाद में आपको इस कड़े के आगे जो जोड़े पहनने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो डेली उसमें ना जितना ज्यादा सिंपल चूड़ा रहेगा ना उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से ये मैंने व्हाइट कलर का चूड़ा ले लिया और उसके बाद में एक सिंपल सा कड़ा लिया है और उसके बाद में ये जो रेड कलर की प्लेन चूड़ी आती है कांच की वो ली है 4। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा लगाना पसंद है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, बाकी मुझे इतनी ही पसंद है, मतलब 4-5 ही अच्छी लगती है डेली यूज में। तो मैं यहाँ पे जो है 4 चूड़ियाँ ही लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ लगा के, तो पहन के दिखाती हूँ कि ये जो मैंने चूड़ा सेट किया है ये कैसा लग रहा है। तो ये है वो चूड़ा जो आप डेली यूज में पहन सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही सिंपल वाला लुक अच्छा लगता है डेली यूज में, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो ये वाला है सिंपल, बहुत ही बेसिक सा, बहुत सिंपल। इसमें कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, ना तो ये जो प्लेन मैंने कड़ा लिया ये खराब होगा और ना ही ये जो कांच की चूड़ी लिए ये खराब होगी। बाकी अगर आपको थोड़ा सा हीरे वाले पसंद है और आप संभाल के रख सकते हैं तो आप वो भी आगे लगा सकते हैं, बट आपको ज्यादा कड़ी नहीं लगानी है डेली यूज में, आगे का बस एक ही कड़ा लगाना और उसके बाद में आपको आगे जोड़े पहनने। तो ये मैंने आपको बताया सबसे पहले आप घर पे अगर डेली यूज में व्हाइट चूड़ा पहन रही है तो कैसे स्टाइल कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कॉटन का सूट पहन रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत सा कॉटन का सूट पहना है, थोड़ा बहुत मेकअप किया है और किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आपको अपना व्हाइट चूड़ा जो है वो कैसे स्टाइल करना है। ये आपका व्हाइट चूड़ा हो गया और इसके बाद में आपको जो आगे की एक चूड़ी है वो निकालनी है और उसके बीच में उससे पहले आपको कोई कड़ा लगा लेना है जो थोड़ा सा
आप जो घर पे पहन रहे हो उससे थोड़ा सा हेवी वाला, थोड़ा सा अलग लगे वो वाला, तो मैंने यहाँ पे ये रेड कलर का कड़ा पहना है। और उसके बाद में आपको ये जो वाइट चूड़ी की चूड़ी मैंने निकाली थी ये आपको वापस पहन लेनी है। एंड इसके बाद में आपको एक कड़ा और लगाना है, मैंने ये वाला कड़ा लगा ली हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको, जो जिसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल वर्क किया हो कड़े में, मतलब जैसे थोड़ी बहुत हीरे मोती लगे हो वैसा ये। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो आगे जिस कलर का सूट आपने पहना, अगर आपके पास उसी कलर की कांच की चूड़ियां हैं मैचिंग की, तो आप वो वाली पहन सकती है। बाकी अगर आपके पास रेड कलर की है जो मैंने आपको अभी बताई थी कांच की चूड़ियां, मुझे ज्यादा कांच की चूड़ियां ही पसंद है आगे लगाने वाली सिंपल वाली, तो मैं वो ही लगाती हूँ। तो मैं आपको वो जो मुझे पसंद है मैं वही शेयर कर दूँ आपके साथ में। तो मैंने यहाँ पे फिर से ये जो कांच की चूड़ियां लगा ली है और ये एक यहाँ पे ये कड़ा लगाया है और ये बीच में एक चूड़ी व्हाइट कलर की और उसके बाद में ये रेड कलर का कड़ा। जरूरी नहीं है कि आप भी रेड कलर का कड़ा ही लगाएं, अगर आपके पास दूसरा कलर का कड़ा है जो चूड़ी में मैच होता हो थोड़ा बहुत, तो आप वो वाला पहन सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आप तो नॉर्मल फंक्शन में कहीं बाहर जा रहे हैं आपने कॉटन का सूट पहना है तो ये वाला चूड़ा उसके लिए। करते हैं कि अगर आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं उसके लिए आपको अपना व्हाइट कलर का चूड़ा सेट करना है तो उसमें आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो शादी में जा रहे हैं तो शादी में अपन कपड़े भी थोड़े चमक धमक वाले ही पहनते हैं, मतलब पोशाक वगैरह पहनते हैं या फिर प्योर के सूट जिसमें थोड़ा वर्क किया हो, तो उस टाइम जो है हमें चूड़ा भी थोड़ा सा चमक धमक वाला ही पहनना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ज्यादा चमक धमक तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ऐसा हो जो अपनी पोशाक में मैच कर जाए, मतलब ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन खुद इतने रेडी हो गए, पोशाक अच्छी सी पहन ली और जो चूड़ा है वो अपन ने सिंपल सा ही रख लिया। तो ये दोनों तो मैंने आपको बताए सिंपल सिंपल, ये कॉटन के सूट के लिए बेस्ट है और जो डेली यूज में घर पे अगर आप पहन रहे तो वो वाला मैंने आपको बता ही दिया। और अब हम बात करते हैं पोशाक पे कैसे सेट करना आपको चूड़ा। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में भी तैयार होके आऊँ आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, मतलब तैयार होके, तो अभी मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद मैं जब वीडियो बनाने लगी ना तब मेरे पास कमेंट आया उस वीडियो पे कि जीजा आप ना सिंपल ही अच्छे लगते हो, तो सॉरी पर आज तो मैं तैयार हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि आज वाला तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बट नेक्स्ट टाइम से ना मैं सिंपल ही वीडियोस लेके आऊंगी क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेकअप। रील्स वगैरह के लिए मेकअप थोड़ा बहुत ठीक है, उसमें भी मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, मुझे मेकअप का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है वैसे, शायद इसीलिए मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज आता है ना उसी हिसाब से अपन अपने चेहरे पे मेकअप कर सकते हैं। तो मुझे नॉलेज तो है नहीं, मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ मेकअप, जो हाथ में आया वही लगा लेती हूँ, तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी पता है, लेकिन सॉरी आज वाले वीडियो आप एडजस्ट कर लेना ना, नेक्स्ट वीडियो में वापस से सिंपल वाला ही लुक लेके आऊंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं वेडिंग में चूड़ा, व्हाइट कलर का जो चूड़ा होता है वो वेडिंग में अगर आप जा रहे हैं आपने पोशाक पहनी है, और अगर पोशाक भी नहीं पहनी तो आपने थोड़ा हैवी सूट पहना एंड ज्वेलरी वगैरह पहनी है, तो उसमें उसके साथ में आप अपने व्हाइट कलर के चूड़े को कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे स्टाइल कर सकते हैं और कैसे उसमें चूड़ियाँ वगैरह लगा के स्टाइल कर सकते हैं। सो ये मेरा व्हाइट कलर का चूड़ा हो गया और मेरे पास ना यहाँ पे कुछ ये बंगड़ी है जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं, और ये मैंने ना खरीदी थी खाटू श्याम जी से जब मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, तब हम लोग गए थे खाटू श्याम जी और वहाँ पे मैंने ये ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी और ये ना अभी तक खराब भी नहीं हुई है, मतलब शायद मान लीजिए आप 2-2.5 साल तो हो ही गए, बट अभी तक सेम टू सेम वैसे की वैसी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली बंगड़ी मैं हमेशा लगाती हूँ जब भी मैं शादी में जाती हूँ, तो अगर आपके पास ऐसी सेम बंगड़ी नहीं है तो आपके पास और कोई बंगड़ी जरूर होगी तो आप वो वाली लगा सकते हैं। आपको ये बंगड़ी जो है ना ये चूड़ी की साइज के हिसाब से लगानी है, पहले आपको इसकी साइज देखनी है, इतना आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या पता किसी को नहीं पता हो तो फिर बोलोगे कि सही से बताया नहीं, हमारी बंगड़ी बड़ी है चूड़ी बाहर निकल रही है, ऐसा कुछ हो जाए।
तो आपको ये जो बंगड़ी की साइज है ना, उस हिसाब से आपको चूड़ी निकालनी है, मतलब कौन सी चूड़ी के साथ में इसकी साइज सेट होगी वहां तक की आपको चूड़ी निकाल लेनी है। तो ना मेरी तीन चूड़ियां पीछे रहेगी और शायद तीन चूड़ी के बाद में ना इसके जो साइज है ना वो सेट होगा इस तरीके से। और उसके बाद में मैंने जो चूड़ियां निकाली ना ये मैं वापस पहन लूंगी इस तरीके से। तो ये बंगड़ी तो सेट हो गई, तीन चूड़ियां पीछे रह गई और तीन चूड़ियां आगे आ गई। इससे मैं आपको बता दूं कि ये ना अभी मेरे पास सिर्फ छह ही चूड़ी है, क्योंकि मैं पहले बहुत पतली हुआ करती थी, अभी तो मैं वापस पतली हो गई हूँ। लेकिन जब प्रेगनेंसी में मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, प्रेगनेंसी के बाद भी आफ्टर डिलीवरी, तो क्या हुआ था कि मेरा जो चूड़ा था ना वो डिलीवरी के बाद ही चेंज हुआ था, दुर्गा होने के बाद चेंज हुआ था। मैंने कुछ फोटोज भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, अगर आपने देखी हो तो। उस टाइम क्या हुआ था कि पहले तो मेरी चूड़ी आ गई थी, आगे वाली बहुत छोटी थी चूड़ी, वो भी आ गई थी। उस टाइम मेरे हाथ पतले थे, लेकिन बाद में मोटी हो गई थी ना, तो ये सबसे आगे वाली जो चूड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी थी, तो एक हाथ की तो वो निकल गई थी, बट दूसरे हाथ की ना उसको मैंने सुनार से कट करवा के निकलवाया, तो वो एक चूड़ी ऐसी चली गई मतलब। और उसके बाद जो सेकंड नंबर की चूड़ी ना वो अभी छोटी है, तो मैं उसको नहीं पहनती हूँ। वो मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं अगर उसको मुश्किल से पहन लूँ ना तो फिर उसको मेरे को खोलने में, चेंज करने में काफी दिक्कत होगी। तो मैंने वो निकाल के साइड में ही रख रखी, ताकि मैं कभी मेरे को जल्दीबाजी में हो तो मैं उसको पहनूं, साबुन लगा के फिर निकालूं, ऐसे काफी प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पास है ना अभी लास्ट में सिर्फ छह चूड़ियां बची है, तो मैं इन छह चूड़ियों को ही पहनती हूँ। तो ये बंगड़ी लगने के बाद में ना आपको क्या करना है, ये बंगड़ी लगाने के बाद में मेरे पास ये एक वाइट कलर का गजरा टाइप का है कड़ा, ये थोड़ा सा छोटा है, मुश्किल से आएगा, बट ठीक है मैं पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये वाला अभी तक मैंने नहीं पहना है, बट आज मुझे लगा कि मुझे पहनना चाहिए, अच्छा लग रहा है, तो मैं पहन रही हूँ आपको दिखाने के लिए बस। और नेक्स्ट टाइम मैं पहनूंगी, क्योंकि मुझे ये आज ही मिला है। और इसके बाद में मैंने ये थोड़ी सी चमक वाली चूड़ी ली है, ये आपको कैमरे में नहीं चमकती हुई दिख रही, बट ये रियल में ना इसमें ऐसा कुछ चमक है जो चमक रही है, तो ये नाइट में काफी अच्छी लगेगी। अपनी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी थोड़ी लाइटिंग से चमकती है, पोशाक होती है वो भी चमकती है, तो थोड़ा बहुत चूड़ा भी चमकना चाहिए। सो आप इतना भी पहन सकते हैं, अगर आपको आगे जोड़ी नहीं पहने तो आप इतना चूड़ा भी सेट करके पहन सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। बाकी अगर आप आगे जोड़े पहनना चाहते हैं तो अभी शादी वाले जोड़े में, शादी वाले सीजन में, मतलब शादी वाले डे में मैं आपको ना सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो प्लेन जोड़ी मैंने आपको काज की बताई थी दोनों टाइम, वो वाली स्किप करके, वो वाली ना पहन के आपको कुछ चमक वाली जो चूड़ियां जोड़े आते हैं वो आपको पहननी चाहिए, वो थोड़ी ज्यादा बेस्ट लगेंगे आई थिंक मुझे, तो जो थोड़ा सा चमक वाला अच्छा लगता है पोशाक के साथ। बाकी अगर आपके पास कुछ और ऐसे जोड़े हैं या कड़े हैं जो आप आगे पहनना चाहते हैं तो आप वो वाला भी पहन सकते हैं, इतना पहनना चाहते हैं इतना भी पहन सकते हैं। बाकी इसके आगे अगर आप जोड़े लगाना चाहते तो जोड़े भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे ये रेड कलर के कुछ चमक की चूड़ियां हैं, ये वाली चूड़ियां ना मैंने इसी कड़ी के साथ में मतलब एक ही शॉप से मैंने खरीदी थी ये वाली, और एक मेरे पास ये रेड कलर में है एंड दूसरी मेरे पास ये ब्लू कलर में भी है, ये मैंने बहुत बार पहनी है। तो अगर मैं ब्लू कलर का कुछ पहनती हूँ ना सूट या फिर जो भी हो तो मैं ये ब्लू कलर वाली पहन लेती हूँ, ब्लू कलर वाला पहन लेती हूँ। अगर बाकी ना ये रेड कलर का पहन लेती हूँ, रेड कलर जो होता है ना वो सारे कलर के साथ मैच हो जाता है, कोई सा भी कलर हो सबके साथ जाता है। तो आपके पास ना अगर आप सारे कलर की चूड़ियां नहीं ला सकते हो ना तो रेड कलर में कोई जोड़े ले आओ जो थोड़े बहुत चमकते हो, जो कि आप हर टाइप की पोशाक सूट के साथ में पहन सकते हो। तो मैं आपको ये चमक वाली चूड़ियां ही पहन के दिखा रही हूँ। सो ये देखिए हो गया ना पोशाक वाला चूड़ा रेडी। एक हाथ में पहन पहन के दिखाया है, मैंने दूसरे हाथ में जो मैं अभी डेली पहनती हूँ ना वो वाली पहन रखी है।
सो आज है ना आप तीन तरह के चूड़ी स्टाइल करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाकी वीडियो जो है ना लंबा हो जाएगा काफी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। मतलब जिनको चूड़ियों में शौक नहीं इतना ज्यादा वो लोग बोर हो जाएंगे, बाकी जिनको है पसंद वो तो देख ही रहे होंगे, देख रहे हो ना आप लोग। तो अगर नेक्स्ट में आपको और भी कुछ जानना है, मतलब कौन से सूट के साथ में किस टाइप का चूड़ा सेट करके पहने, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये लग रहा है ना वेडिंग वाला चूड़ा, और आपको कौन सा वाला जो चूड़ा है, डेली यूज वाला या फिर कॉटन के सूट वाला या फिर पोशाक के साथ में जो मैंने मैच किया है यहाँ पे, ये वाला कौन सा ज्यादा बेस्ट लगा है, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता देना। और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा बिना बोर हुए, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर है ना बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कर दो ना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि मेरा भला हो जाएगा, सो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अगर आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप चाहते हो कि इस तरह के जूड़े जो है आपकी भाभी पहने या आपकी मम्मी पहने ना आपकी जीजा पहने, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए जो है ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहे। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है ना, तो इसे लाइक जरूर करना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।